अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपका पता है कि मैं मुजम्मिल ब्लॉगर फ्रॉम VHFS3। तो यार आज फ्राइडे है और दूसरा क्या कहते हैं स्टेप इंस्टीट्यूट की क्लास है मेरी। आप लोगों को पता ही है कि आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑन दिस स्टेप इंस्टीट्यूट के स्टेप इंस्टीट्यूट में मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा हूँ। और आज जो है वो वहाँ पर हो गए मेरी आज वहाँ पे मेरी थर्ड क्लास होगी, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं कौन से कपड़े डाल के जाऊँ। फ्राइडे भी है जुमे की नमाज़ के लिए, तो इतनी जल्दी प्रिपेयर होना स्टेप इंस्टीट्यूट से आके इट्स टू मच फॉर मी। तो इसीलिए हम घर से गुसल वगैरह करके और जुमे के कपड़े डाल के, क्योंकि मेरी इंस्टीट्यूट की और जो होती है ओवरऑल ब्लॉग जो होता है एक ही होता है, ठीक है, फ्राइडे। एंड मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन से कपड़े डालूं। सो प्लीज़ यू शुड टेल मी नाउ कि मैं आप कौन से कपड़े डालूं। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अभी दो ड्रेस निकाले हैं तो फ्रेंड्स ये ना मैंने अभी एक तो ये येलो कलर निकाला है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं ये डालूं या मैं वाइट कलर डालूं। मुझे समझ नहीं आ रही। अभी मैंने प्रेसिंग के लिए भी रखा है, अभी नहीं कर रहा क्योंकि डिसीजन ही नहीं हो रहा मेरा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे ब्राउन कलर भी है, ठीक है, इसके अलावा स्किन कलर और ब्लू कलर एंड माय फेवरेट कलर ब्लैक कलर्स, और इसके अलावा पर्पल कलर, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर एंड दिस ब्लैक एंड पर्पल कलर। एंड ये तो वो दूसरा है, ये नहीं डालना, ये भी शादी वाला, ये भी नहीं डालना। एंड मेहरून कलर, ग्रीन कलर एंड मोर वन ब्लैक कलर इन वॉशिंग वेयर एंड दिस वन लाइनिंग वाला कुर्ता। और फिर ये आ जाता है मुंगिया कलर एंड लास्ट वाइट कलर वॉशिंग वेयर एंड दिस कलर इज पीच कलर, ये भी। और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन से डालूँ। बाकी तो मेरी पैंट शर्ट्स हैं वो तो नहीं डाल सकते बिकॉज के फ्राइडे है। तो अभी के लिए मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सा कलर डालूँ। तो लेट्स सी, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सा कलर डालूँ। तो फ्रेंड्स मुझे तो कोई कलर डिसाइड नहीं हो रहा, तो फिर मैंने ये मस्टर्ड कलर और साथ इसके ब्लैक कलर की सैंडल्स, और ये मेरा न्यू सूट था, मैंने बस एक दफ़ा डाला रमज़ान मुबारक में, पहले जुमे पे, पहला या सेकंड जुमा था, आई डोंट नो, बट ये वो था। और अब हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ये डाल के। तो फ्रेंड्स ये हो गए हम तैयार, मेरा एक बटन तो रह गया बंद करने वाला। तो फ्रेंड्स हम तैयार हो गए हैं, गुस्सा भी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं हमने जुमे के लिए कपड़े और इंस्टीट्यूट के लिए भी साथ ही हम तैयार हो गए हैं। एक मैं बटन बंद कर दूँ, मेरा बटन भी बंद हो रहा। तो ये ले, तो ये मैंने येलो कलर का सूट डाला है, साथ मुझे ये मेरे भाई ने वॉच गिफ्ट की थी मुझे, ये मैंने डाली है, और साथ ब्लैक कलर के सैंडल। और अब हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट। और सबसे बड़ी बात हमने, मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी तस्वीर भी ले लूँ साथ, दुरूद शरीफ, ये तस्वीर ही हमारी, हम साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इंस्टीट्यूट जाएंगे, वहाँ पे भी सारा दिन साथ काम सीखेंगे, साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आप लोगों को कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ठीक है, दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा बरकत है, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा उस बंदे पर फजल होता है। और ज़्यादा माउथ वॉश भी किया करें और मुँह के जो जर्म्स होते हैं आपके, ताकि किसी को आपके मुँह के अंदर से स्मेल ना आए। फ्रेंड्स हम तैयार हो गए, अब हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट, इंशाल्लाह मिलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। मेरा तो ये मैसेज है आप लोगों को कि अपने घर के बाहर की सफाई रखा करें, और जब रोड पे जा रहे हो तो तब भी सफाई का एहतियात क्या करें, रैपर्स वगैरह गिरा हो तो वो डस्टबिन में डाल दिया करें। और आज जुमातुल मुबारक है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए मुश्किलें आसान करे, आसानियाँ पैदा करे। और आप सब के लिए भी खुसूस दुआ करूँगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह अब हम इंस्टीट्यूट पे आ गए हैं, तो मिलते हैं आपको फिर।
आज मैं ना रजिस्टर पड़ा हुआ था मेरे घर और इसके ऊपर लिखा हुआ है मौज़म, और मौज़म जो है वो मेरा निक नेम है, ठीक है। मैंने पहले नहीं बताया तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और आज तो ऐसे लग रहा है जैसे स्कूल के लिए जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट आ गए हैं हम, यार इनकी जो टाइमिंग है ना यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है 8:00, तो क्लास अभी जो टाइम हो गया है यहाँ पे, क्या टाइमिंग है 8:34 हो गया, तो अभी तक क्लास ही स्टार्ट नहीं है और आधे स्टूडेंट तो आए ही नहीं अभी तक, तो मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे। आज देखें क्या बताते हैं, क्या स्टेप होगा। पहले तो हमें उन्होंने फिशर का बताया था, तो आज देखें हम क्या बताते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी बताएं क्या सीखा है आपने। कम ऑन बेबी, हाँ नहीं मेरे फरिश्तों को आज बस मसाज का सीखा है। मसाज का कौन सा है, ये होंठों वाला आप मुझे दे दीजिए ना, करो यार ना करो। नहीं आपने कौन सी हार्ड मसाज सीखी है, सॉफ्ट मसाज सीखी है, बताएं। एक ही सिलेक्ट किया हार्ड। अच्छा कोई एक स्टेप बता दें आप। बताएं। ये बताना नहीं चाह रही, बता दें आप उनसे पूछ ले। सागर भाई ये शर्मा गए, आप बता दें। सीखा था मेरे दिन सागर हैं आप, आग भाई आपकी यहाँ पे हमने आज सीखा है लिफ्टिंग मसाज, जो ऐसे अपर की तरफ हमें लेके जानी है। अच्छा जी ऐसे ही है। नहीं ये हेयर बन रखे हैं और सही तरीके से बताएं कि आप ऐसे करके बताएं कि ये हमने दो फिंगर्स लेनी है, ठीक है। डेली रूटीन में हमें अपर की तरफ करनी है, चाहे अमरीका की तरफ ले जाए या पीछे कैनेडा की तरफ। ये हमारे साबिर भाई हैं जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जिन्होंने ये मुंह क्यों छिपा रहे हैं, उनको शर्म आ रही है, गंदे काम ना किया करें ना, ये काम भी मुंह छिपाने वाले किए हैं। सागर भाई ने ज्यादा सीखा था हेयर वाला, हेयर फॉल वाला, हेयर फॉल नहीं, बेचारे के सारे हेयर ही जा रही है। अच्छा बताएं वो लिफ्टिंग और सॉफ्टिंग की तरफ भी आए, ये इन्होंने सॉफ्टिंग के लिए काफी अच्छा मैसेज दिया था हमें। ये भाई के बाल देखने इनके, ये वो हमें हेयर का बताएंगे, हेयर का बताएं वो हेयर फॉल्स के लिए को जो ऐसे नहीं काटते बताएं इससे पूछ हेयर फॉल्स के लिए क्या हमें इस्तेमाल करना है। आपको लग गया सैम, कौन कौन से ऑयल यूज करने चाहिए, सारे सोल फाड़ लिया बंदे का मुंह, ये दाढ़ी वाले भाई हैं। नेक्स्ट टाइम मसाज करवानी है आप क्यों आके सामने बैठते हैं, मोहब्बत है आपसे। अच्छा यार आप बताएं। अच्छा आप सबसे ना, आप सबसे पूछो कौन कौन सा स्टाइल लगाना है। उसका दोस्त आ रहा है उधर, देखेगा अपनी हमारे तरफ यहाँ पे। यार नीचे करो ये रजिस्टर दो मेरा, बताएं क्यों मैं आ गया यहाँ पे, मैंने कोई आपसे लव स्टोरी पूछ रहा हूँ, बताएं। आप भी तो स्टेप पूछ रहे हैं ना, कौन से स्टेप। ये स्टेप नीचे करें पहले अपना ना। चले आप बताएं, बता दे मैंने आपको मुंह देखने के लिए नहीं बिठाया। पूछे पूछे आज बताएं मसाज के ऊपर या हेयर फॉल्स के ऊपर क्या आपने सीखा। ये बटन कहाँ पे सीखा, मैंने कॉपी पे लिखा है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लो जी बस कैमरा बंद कर दो, आप बताएं दाढ़ी वाले भाई क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया इनसे पूछे कौन सा स्टेप सीखे, कौन सा स्टेप सीखे। फर्स्ट लेग कैमरा
ठीक है, सेंटा क्लोज वाला बताना वो ठीक है, माउथ एक्सरसाइज चाय पानी तो मंगाए सबके लिए, चाय पानी, पानी आपके मुंह है चाय पानी वाला। देखो ये बात बुरी बात हो गई ना, बुरी बात हो गई। फ्रंट सीट पे आप बैठे हुए हैं, ऑर्डर आप चला रहे हैं, मैं तेरी गली मार देनी है। तो ये जी था आज का हमारा व्लॉग, तो इंशाल्लाह 30 मिनट्स का व्लॉग था, 30 मिनट्स का तो नहीं, 30 मिनट्स की हमारी ब्रेक थी, इसमें से हमने 10 मिनट्स का व्लॉग रिकॉर्ड किया है। तो बाकी का जो व्लॉग है इंशाल्लाह वो आपको अभी बताएंगे, इन्होंने तो बताया नहीं आपको कि इन्होंने ड्यूरिंग क्लास क्या काम सीखा है क्या नहीं सीखा, अभी डेमो भी होगा इंशाल्लाह, आप डेमो देखो अब किसके ऊपर आता है। मैं जल्द बताओ ना, हमने कॉटन भी यूज़ किया आज, हाँ बढ़िया भी लगाया, शैम्पू भी लगाया, लेमन भी लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि हमें जो हेड मसाज है वो किस तरीके से करनी चाहिए, वो उनके उनके दो मसाज है, एक तो पागलों की तरह जो बाल पकड़ के तो ये वो करना, बाल झड़े हैं वो तो वो बाल नहीं झाड़ने जिनके, दो मिनट बाद जो हाथ फेरते हैं सर में उसके लिए भी सारा। एक तो ये मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहे, आप टेंशन ना लें, मैं आपको घर जाके प्रॉपर सारा डेमो जो है ना टोटल ओवरऑल जो भी सीखा है वो आपको बताऊंगा अभी स्टॉक पे। सॉरी चलें जी, टाइम ओवर हो गया, चलें ऊपर आ जी। जी दोस्तों गाइस क्या हाल है, ठीक है? आज ये मुजम्मिल भाई का मामले एक नया शूट करना है, ये सब फ्रेंड मुजम्मिल भाई के साथ बैठे हुए हैं, अफाक भाई भी हैं, ये भाई भी हैं, मुजम्मिल हैं, वो उनके लवर हैं जी, वो सुखियान जिन्होंने मुंह भी हाथ रखा होगा, बड़े प्यारे लवर हैं साथ, फर्स्ट लवर सेकंड लवर, ठीक है उनके साथ है जी, साइन लवर फैन है मेरे भाई, फैन लवर फैन सेम ही होते हैं, लवर और फैन सेम ही होते हैं, जो पसंद करते हैं वो प्यार भी करते हैं जी। देखें जी जी मुजम्मिल साहब आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? वो आ गए सबसे बड़े फैन, बहुत बड़े फैन है ये, ये देखिए ये कुछ फैन पीछे भी चल रहे हैं, देखेंगे मेरे सामने जी, इतने आदमी देखे जा रहे हैं ये देखें जी, ये जो बंदा है ना ये वो है जी, जो भी नहीं हो रहा ये जो मुझ पा रहा है, ये कुछ पा रहा है, ये कुछ पा रहा है, ये लाल लाल हो रहा है, ईयर को 1, 2 and 3 के साथ प्रेस करो, गुड बेटा। ये देखो हम प्रॉपर इसको ऐसे प्रेस करते हैं, फिर सेकेंड एरिया को प्रेस करते हैं और फिर थर्ड एरिया को प्रॉपर प्रेस करो, अगर ब्रोविंग सर अब आपको बता सकते हैं ये प्रॉपर प्रेस है, ओके ऐसे गुड। अब चिक्स पे आ जाओ क्योंकि बियर्ड है, बाल होते हैं तो हम बालों को कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से लिफ्टिंग भी लेकर जाओ इसको, गुड। अब इसको क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज प्रेस करो, अगेन लिफ्टिंग में लेके जाओ, लाफ लाइन से स्माइल लाइन से, गुड। ऐसे मुजम्मिल स्लो स्टेप्स में आओ और फिर इसको यहाँ पर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज लेके जाओ, अच्छा आप भी बताए ऐसे इसको यहाँ से स्टार्ट करो, प्रॉपर स्ट्रेच करो, ये जितना भी फैट है ना आपके हाथ पे फील होना चाहिए, नोज पे आओ ऐसे, गुड। इसको इस तरह से रोटेट करो, गुड, इसको रोटेट करते जाओ कि आपका एंड हाथ जो है ना वो टिप पे आना चाहिए। सुफियान आप भी बेटा नोज पे आओ, नोज को बस रोटेट करते जाओ जैसे अजमल कर रहा है, मिरर में देखो एक दूसरे को, गुड, इस तरह से रोटेट करो, अब इसको टिप से अजमल ऊपर की तरफ लेके जाओ, गुड, आज स्लो स्लो मोशन में और प्रॉपर लिफ्ट करते हो, गुड। अब फोरहेड पे आ जाओ साइड टू साइड एंड देन क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, जमीन स्लो मोशन में करो बेटा और प्रेशर के साथ, गुड। अब आईब्रो आईब्रो को प्रेस करो इस तरह से पिंच जैसे मैं चुटकी बनाऊं, प्रॉपर प्रेस करो, जमीन ऐसे बच्चे स्ट्रे करो, फिर से नेक्स्ट एंड देन एंड, गुड। अब इसको स्ट्रेच करो डाउनवर्ड, गुड। अब इसको यहीं से लिफ्टिंग में लेकर जाओ, गुड। अब आइस पर आ जाओ, लिफ्टिंग में पहले पूरी सारे हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करो, गुड, स्ट्रेच करो जमीन इसको। अब जो हमारी सेकेंड फिंगर है, अब सेकेंड फिंगर को रोटेट करो और थर्ड फिंगर पे आ जाओ, फोरिंग
रिंग फिंगर बेटा, आइस पर हमेशा रिंग फिंगर का यूज करते हैं, इंडेक्स फिंगर का यूज ही नहीं करते, या हम मिडिल फिंगर यूज करते हैं सेंटर, या हम रिंग रिंग का यूज करें एंड पे करो, फिर आई बॉल पे, फिर एंड, फिर से आप इसको यू लिफ्टिंग में लेकर जाएं। ओके क्लियर यहाँ तक? अब आप इसी स्टेप्स को प्लीज इसी तरह से बड़े आराम से रिपीट करेंगे। So,